कल हम लोग पढ़े थे केस इन अपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। कल आप इसके रूल में पढ़े थे केस इन। अब देखो कल शायद इसमें से कोई उपस्थित नहीं था, कल हमारे सर जी कल तीन तीन टीचर एक साथ 12 की इंग्लिश पढ़ा रहे थे और 12 वाले बच्चों का कल बहुत ज़्यादा माने बातें हुई हो रही थी पढ़ाई के बारे में। उन बच्चों को बताया भी गया कि कैसे आप पढ़ाई करेंगे तो आप आगे जाएंगे। एक साथ तीन तीन टीचर पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, बाकी दो टीचर बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी। उसी में आया था कि नाउन फ्रेज के द्वारा आप कैसे बनाएंगे नाउन या केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा आप कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पहले मैं कुछ आपका जिक्र कर दूं, आप लिखना नहीं है, खाली समझना है, बाद में लिखना आप लोग। कि जब भी कोई वाक्य हो और उस वाक्य में मेन कोई शब्द आया हो और उसके साथ उसकी दो मुहावरे के रूप में वाक्य, बड़े बड़े वाक्य दिए गए हों, तो जब भी हम इस प्रकार के वाक्य को जब हम लोग सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं। वाक्य का मतलब जानते हैं ना, जैसे राम इज ए गुड बॉय, एक वाक्य है ये, एक ये वाक्य है राम इज ए गुड बॉय। तो राम आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, ए गुड बॉय आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से दो वाक्य रहेंगे, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम गोइंग टू मार्केट, तो राम इज ए गुड बॉय एक वाक्य हुआ, राम इज गोइंग टू मार्केट है आपका दो वाक्य दिए होते हैं। लेकिन बात राम की होगी या बात ऑब्जेक्ट की होगी, बड़े बड़े मुहावरे के रूप में, आराम से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे के रूप में आते हैं। कल आपने देखा था कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विदाउट वर्ब, मैंने कैसे शब्दों का समूह जिसमें कोई वर्ब उपस्थित नहीं होता है। अब देखेंगे सिंपल सेंटेंस, खूब बड़ा वाक्य आपको दिखाई दे दिया तो समझिएगा कि केस इन फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा इसको बनाएंगे। फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे के रूप में वो दिया गया। और अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि इसमें दो वाक्य और पहले वाक्य में अगर सहायक क्रिया उपस्थित है तो वहाँ पर कमा लगाएंगे, सहायक क्रिया भी हम बताएं इज वाच वगैरह जो होते हैं वो हट जाएगा, फिर आगे के पूरा वाक्य उतार देंगे, फिर दूसरे वाक्य जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर कमा लगाएंगे और वहाँ से आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हट जाएगा और बाकी जो वाक्य होगा वैसे ही लिख देंगे हम लोग। तो ऐसे जब वाक्य हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन। कुछ पहले आप समझिएगा तब आप उसको उतारने का प्रयास करेंगे। कुछ आपको अच्छे अच्छे वाक्य बताते हैं। पहला कहा इसमें कि मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ठीक है, और ही वाज ब्लाइंड। अब आपके वाक्य में दिया गया है, बोले समझना है सब लोग को, तो मैंने कहा कि दो वाक्य होता है, तो मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ये आपका एक वाक्य रहा, और यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप रहा है, और ही वाज ब्लाइंड, वह अंधे थे। सही बात है, आपको अगर ये किताब चेंज नहीं हुआ होता ना तो लेसन नंबर 4 इन्हीं का था, आपका लेसन नंबर 4 अन इज ब्लाइंड पुराना किताब होगा तो उसमें देखना लिखे हैं। तो कहा गया इसमें कि मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट और ही वाज ए ब्लाइंड, तो मिल्टन एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि थे और ही वाज ब्लाइंड, वो बहुत क्या थे, अंधे थे, ये बहुत माने वो अंधे थे। तो आप देखिए मिल्टन की बात हो रही है और इतना बड़ा आपको दिया गया है कि ये फ्रेज इन ओपोजिशन के रूप में आया है। यहाँ पर वर्ब नहीं है बाबू, वर्ब नहीं है, ये फेमस इंग्लिश पोएट का है, एक फ्रेज है विदाउट वर्ब का आया हुआ है। और तब आपके देखिए ही वाच ए ब्लाइंड और वह कहा थे, अंधे थे, एक व्यक्ति की दो दो विशेषता बताई जा रही है, एक व्यक्ति की दो दो विशेषता बताई जा रही है। तो देखो आगे आपका लिखा रहेगा बाबू बोर्ड के पेपर में, यह सिंपल लिख देगा, यानी इसका मतलब है कि आपको सिंपल सेंटेंस में इसको बनाना है। सिंपल है पूछता है, एक दुख दिया होगा एक बनाना होता है, जैसे वो मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स है सिंपल जरूरी, लिख दिया कंपाउंड है सिंपल जरूरी, एकदम निश्चित होकर सिंपल रहेगा क्योंकि सिंपल ही सबसे अधिक पढ़ाया जाता है इसमें। तो अब इसको जब आप सिंपल में बनाएंगे तो क्या होगा, पहले समझो, आपका होगा मिल्टन
अच्छा पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में रखिएगा, हैजा कामा कर देंगे ठीक है, आवाज हट जाएगा देख लेना। ए तब आप लिखेंगे फेमस इंग्लिश पोएट, कामा ही आपका हट जाएगा, वाज ब्लाइंड अंतिम आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? देख लो पहला कामा हटाओगे, पहला कामा लगाओगे वाज खत्म, पहला कामा लगाओगे वाज खत्म, दूसरा कामा लगाओगे ही खत्म, पहला कामा लगाओगे वाज खत्म, दूसरा कामा लगाओगे ही खत्म, ही खत्म, पहला कामा में वाज खत्म, दूसरा में ही खत्म। ए यार पहले समझो ना, समझो नीचे मुड़ी गाड़ लोगे तो मैं बोलूँगा तो कौन क्या समझोगे। चलो दूसरा देखो, मान लो कह दिया आपसे दूसरा कहा इसमें कि राणा राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा राणा के नाम से नहीं होंगे आप लोग, प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। आ ही वाज ए ग्रेट वेरियर, ही वाज ए ग्रेट वेरियर, वेरियर माने क्या होता है, योद्धा होता है, योद्धा। तो आपको ऐसा नजर आ रहा है ना राणा प्रताप वाज आ द किंग ऑफ मेवाड़, देख रहे हो ये फ्रेज इन ऑपोजिशन है, इसमें वर्ब नहीं है, सेम वैसे ही वाक्य है। तो जब आप इसको सिंपल में बनाओगे तो क्या होगा, समझो खूब खूब समझो, राणा प्रताप कामा कर दोगे वाज हट जाएगा, यह हट जाएगा, द किंग ऑफ मेवाड़ फिर कामा ही हट जाएगा, वाज ए ग्रेट, वाज ए ग्रेट वेरियर, ग्रेट वेरियर ठीक है, वेरियर माने योद्धा होता है। तीसरा आ जाओ, तीसरा आपसे कहा कि आई मिट राकेश, आई मिट राकेश, मैंने राकेश से मिला, आई मिट राकेश, तो सब लोग समझो, आई मिट राकेश और ही द सन ऑफ ए लीडर, और ही इज द सन ऑफ लीडर, सन ऑफ लीडर, सन ऑफ लीडर। अच्छा इसको जब बनाओगे तो देखो सिंपल सी बात, इसका रूल है कि आप तो पहले कामा लगाएंगे ही नहीं, सहायक क्रिया इसमें हल ही नहीं है, डायरेक्टली आपका वर्ब है, समझोता नहीं समझोगे बाबू, देखो लिखने से मज़ा नहीं आता, आदमी समझ लेता है ना। अरे वही हम देखते हैं तुम लोग हमेशा तो छापने ही के कामें करते हो, तनी आज तो तनी अंग्रेजी है तो सही से पढ़ लो। हाँ तो क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि ये वाला जो मीट आप देख रहे हैं ये नहीं हटेगा, सहायक क्रिया होता है तो हम लोग कामा लगाते हैं। तो इसमें पहला वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं, पहला वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं, जैसे आई है वैसे ही लिखो, मीट है वैसे ही लिखो, राकेश है वैसे ही लिखो, कामा कर दो बाबू हाई ही हट जाएगा ठीक है, कामा करोगे देखो मैं जो गोला मार रहा हूँ हट जाएगा, हो जाएगा इज द सन ऑफ लीडर, इज द सन ऑफ लीडर, बोला बना लोगे सब लोग, कोई दिक्कत है? अच्छा कुछ और देखते हैं, कहा इसमें कि कबीर वाज ए विवर, विवर माने होता है जुलाहा, कबीर कबीर वाज ए विवर, विवर माने क्या होता है जुलाहा, कबीर क्या होता चूल्हे थे, और आगे लिखा है कि ही वाज ए ग्रेट रिफार्मर, रिफार्मर माने होता है समाज सुधारक, ही वाज ए ग्रेट रिफार्मर, रिफार्मर का मतलब होता है बाबू समाज सुधारक, रिफार्मर का मतलब होता है समाज सुधारक, वो माने अच्छे समाज सुधारक थे। अच्छा देखो इसमें वाज आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कामा लगाएंगे तो वाज आपका कहाँ होगा हटेगा, तो जब आप सिंपल में इसको बनाएंगे तो कहाँ होगा कि कबीर कामा कर दो वाज हट गया, ए विभर कामा कर दो हाई ही हट जाएगा, तो यहाँ से वाज हट गया, यहाँ से ही, और वाज ए ग्रेट रिफार्मर, रिफार्मर माने समाज सुधारक, माने जो कबीर थे ना एक महान समाज सुधारक थे। पांचवा देखते हैं बाबू, कहा इसमें कि दिस टाउन वाज वंस ए प्रॉस्पर सी पोर्ट, प्रॉस्पर माने होता है प्रसिद्ध, दिस टाउन माने क्या होता है बाबू शहर, दिस टाउन वाज, वाज माने था, वंस माने होता है कभी, ए माने होता है एक, और प्रॉस्पर, प्रॉस्पर माने होता है प्रसिद्ध, प्रॉस्पर माने क्या होता है प्रसिद्ध,
ट्रांसफर माना होता है प्रसिद्ध, सी माना होता है समुद्री, और पोर्ट माना होता है बंदरगाह। पोर्ट माने क्या होता है? बंदरगाह। सी माना होता है समुद्री, पोर्ट माने क्या होता है? बंदरगाह। और देखो इसमें आगे क्या लिखा है, इट इज नाउ ए हीप ऑफ रैन। आगे इसमें लिखा है कि इट इज नाउ ए हीप्स ऑफ रियून। रियून का मतलब होता है कि अब वो बर्बाद हो गया है। वो अब क्या हो गया है? रियून माना होता है बर्बाद होकर के, मिट्टी का ढेर बन चुका है बाबू। हीप माना होता है मिट्टी का ढेर, रियून माना होता है बर्बाद होना। जानते होंगे समुद्री बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ पर जहाज़ वगैरह आकर के रुकते हैं, ठीक है ना, समुद्री जहाज़ वगैरह आकर रुकते हैं, उसको सी पोर्ट कहा जाता है। चलो अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो आवाज है तो कोई दिक्कत नहीं, काम आएगा, आवाज हट जाएगा, इसमें यहाँ ईट हट जाएगा। देखो दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू हुआ है, तो जब आप इसको सिंपल में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि दिस टाउन कामा वंस माने कभी, ए प्रॉस्पर माने होता है प्रसिद्धि या समृद्धि, जो भी कहिए, सी माना होता है समुद्री, पोर्ट माना होता है बंदरगाह, फिर यहाँ पर कामा कर देंगे, ईट हट जाएगा, ईज माने है, नाउ माना होता है अब, ए माना होता है एक, ए माना होता है एक, हीप माना होता है ढेर, ऑफ रियून माना होता है बर्बाद हो गया है, माना वो बर्बाद होकर के एक ढेर के रूप में बदल गया है। सिक्स नंबर देखते हैं हम लोग, सब लोग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कहा कि माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी का एक डॉक्टर हैं, और हिज नेम इज विनोद, और हिज नेम इज विनोद, उनका नाम क्या है? विनोद है। माई फादर इज ए डॉक्टर, हिज नेम इज विनोद। सिंपल में बनाना है तो क्या बनेगा बाबू? पहले कामा लगाएंगे तो हिज हटेगा, और ये हिज हटेगा नहीं, हिज नेम हट जाएगा, पूरा ही हट जाएगा। माने आपका होगा माई फादर, कामा कर देंगे, ए डॉक्टर, फिर कामा, इज विनोद। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज बनाइए, तले हम आ रहे हैं, ठीक है, तब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं।